ना सुनो, आज अस अंत के दिनों में हम उस जिसको कहा गया था एक मेमना आ रहा है जो संसार के पाप के लिए बलि होगा, अब हमारा प्रभु मेमने के रूप में नहीं आएगा, शेर के समान आएगा, यहूदा का शेर बन के आएगा। सेकंड कमिंग में, दूसरे आगमन में वो पैदा हुआ मेमने के समान, वो दूसरी बार आ रहा है शेर के समान, और वो उनको ही लेगा जो शेर के समान चलने की क्षमता रखते हैं, जो कैपेसिटी रखते हैं। हालेलुया, सबको लेने नहीं आएगा, शेर के शेर अपने बच्चों को लेने आएगा जो शेर के समान निडर होकर प्रभु के पीछे चलेंगे। एकदम भोग के समान नहीं, अंधकार के पीछे चलने वाले नहीं। हालेलुया, यहूदा का शेर प्रभु यीशु है और हम उसके बच्चे हैं। तो शेर के बच्चे कौन होंगे? लीडर कौन होगा? यस, हम सब शेर के समान है। और नीति वचन 28 का एक कहता है कि धर्मी लोग कैसे बसे रहेंगे? शेर के समान निडर। हालेलुया, किसके समान? शेर के समान निडर होकर चलेंगे। उनको डर नहीं किसी अथॉरिटी का, उसे डर नहीं किसी प्रोसिक्यूशन का, उसे डर नहीं किसी गरीबी का, उसे डर नहीं किसी चिंता का, उसे डर नहीं किसी भी निराशा का, क्योंकि वो शेर निकल लेगा और कैपेसिटी आपको दिया गया। हालेलुया, ओ जिसके पास सामर्थ नहीं है वो कहता है वो फाड़ खाने वाले के समान हमारी खोज में है। तो आप क्या कर रहे हो? हमें अथॉरिटी है शैतान को फाड़ने का। डिसाइड आपको करना है कौन किसको फाड़ेगा। यदि आप उसको मौका देगो तो वो आपके आपको आपके परिवार को फाड़ देगा। यदि आप उस अधिकार को पहचान कर अपने परिवार के लिए शेर की तरह खड़े होते हो, कोई छू नहीं सकता आपके परिवार। हालेलुया, जंगल का राजा किसको बोला जाता है? शेर, लायन, टाइगर की बात नहीं कर रहा मैं, लायन की बात कर रहा हूं, सिंह, उसको साधारण भाषा में बोल रहा हूं शेर। उस लेवल में प्रभु आपको चाहता है, उस लेवल में प्रभु आपको चाहता है, उस लेवल में प्रभु आपको चाहता है। शैतान गीदड़ की तरह बहुत भगाया आपको, ए आज अभिषेक ले लो, मैं कह रहा हूं आपको, यह अभिषेक शेर बनाने वाला अभिषेक है, गीदड़ बनाने वाला अभिषेक नहीं। हालेलुया, ताकि आप फार खाने वाले बनो। हालेलुया, अशुद्ध आत्माओं को दौड़ाने वाले बनो, अशुद्ध आत्माओं को दौड़ाने वाले। ओ ग्लोरी, हालेलुया, ये शेर, ये वो किंगशिप की बात कर रहा हूं, उस अधिकार की बात कर रहा हूं जो अभिषेक प्रभु आपको देना चाहता है। राजकीय अभिषेक, बोलिए राजकीय अभिषेक, राजकीय अभिषेक। प्रभु आपको कौन सा अभिषेक देना चाहता है? राजकीय अभिषेक, भिखारी का अभिषेक नहीं, राजकीय अभिषेक। हालेलुया, एक राजा का अभिषेक वो आपको देना चाहता है। क्यों? क्योंकि क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। सो रहे हो, मुझे बोलो प्रभु कौन है? एक मिनट, किसका? दोबारा बोलो, दोबारा बोलो,
राजाओं का राजा, राजा कौन है? राजा कौन है? अरे भैरो बोलो, आप छोड़ोगे नहीं तुमको मैं। कौन है राजा? यीशु। राजा वो कौन है? अरे भिखारी हम लोग हैं, माइंडसेट चेंज करो थोड़ा। कौन है राजा? मैं सुनो, राजाओं का हालेलुया। क्या पी के आया हूं ना? पीकर आया हूं। क्या पीकर आया हूं? सच में बोल रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 12 दिन में क्या लिखा है? पिलाने के लिए कितना आत्मा दिया गया है? एक पवित्र आत्मा। वो आत्मा सबको पिलाने के लिए दिया गया है। इसलिए पहले कहते हैं ए शराब पीता मत वाला मत बनो, पवित्र आत्मा पियो। ऐसा मत वाला बनोगे कि भगाओगे तुम। है ये उल्टा वाला मत वाला है। हालेलुया। जब राजा मत वाला होता है ना, प्रजा भाग जाती है। राजा पिया है भाई, भाग यहां से, किसको देगा तलवार से? जवान पीते है ना पवित्र आत्मा, शैतान भागते हैं। किधर भागू, ये किधर छिपू? क्योंकि जानते हैं अभिषेक के व्यक्ति लोग पागल होते हैं भाई। ये काम क्या बोलेंगे, सुबह उठेंगे आज हमारे पीछे भागेंगे ये लोग। ये जानते शैतान उसके दूत जानते ये अभिषेक लोग पागल है, ये अभिषेक लोग पागल है। मोबाइल उधर है, उधर ही बचन था। होश में लिखा हुआ है, होश में क्या अभिषेक लोगों को क्या कहा जाता है? पागल कहा जाता है। अभिषिक्त लोगों को पागल कहा जाता है, अभिषिक्त लोगों। आज अपने आप को पहचानो, अपने अभिषेक को पहचानो कि आप कौन हो। हालेलुया, हालेलुया। हम राजाओं एक समुदाय है, झुंड है, और हम सबों का राजा कौन है? इसलिए तो यहूदियों ने उसे कहां पर चढ़ाया था? क्रॉस पर। क्या कहते हुए चढ़ाया था? यहूदियों का राजा, यहूदियों का राजा। वो सच में राजा है। हालेलुया, वो सच में राजा है। और उसने पैदा किया है राजाओं को। एक मरा, एक राजा मरा, हजारों लाखों अरबों खरबों राजाओं को पैदा कर दिया पूरे विश्व में। और उसने क्या कहा, मैं एक करके खोल के बोलूंगा, नहीं सुनना चाहता, कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं के ऊपर और शैतान की सारी सामर्थ के ऊपर क्या दिया है? अधिकार दिया है। अधिकार किसको दिया जाता है? अधिकार किसको दिया जाता है? ले राजाओं को। किसको? किसको? सबको नहीं, दास को नहीं, नौकर को। उसने कहा गलती जांच में, तुम पुत्र हो। क्या कहा? तुम परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र कहलाओगे। इसीलिए उसने अधिकार दिया है, हमारी योग्यता के कारण नहीं, क्योंकि हम यीशु पर विश्वास करते हैं। इसलिए जिसने हमें राजा बनाया है उसने हमें अधिकार भी दिया है, ताकि हमारे बच्चे, प्रभु के बच्चे अधिकार में चले। हालेलुया। वचन कहता है यीशु ने मृत्यु को क्या कर लिया? निकल लिया। मेरे बच्चे भी मृत्यु को ले निकलेंगे। हालेलुया। ये तुम बीमारियों को निकलोगे। अरे पेट में नहीं कह रहा, जब तुम मृत्यु को निकल सकते हो
हर एक उस आत्मा को निगल सकते हो जो तुम्हारे विरोध में। हालेलुया। वह सामर्थ प्रभु ने तुम्हें दी, वह सामर्थ, वह अभिषेक प्रेरित 10:38 के अनुसार जैसा पिता ने यीशु को अभिषेक किया वैसा यीशु ने अपने बच्चों का अभिषेक किया। हालेलुया। पिता ने यीशु को, यीशु ने हमें अभिषेक किया, क्या करने के लिए? राज्य करने के लिए। बोलिए राज्य करने के लिए। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? किसके ऊपर? शैतान के ऊपर, उसके अथॉरिटीज के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, अकाल के ऊपर, कैंसर के ऊपर, बीमारी के ऊपर, गरीबी के ऊपर। किसको अधिकार दिया है? अकाल, डिजास्टर्स, इसका अधिकार किसके ऊपर दिया है? बच्चों को दिया गया है। क्या यह अधिकार सरकार के पास है? उससे भी बड़ा अधिकार किसको दिया गया है? हालेलुया। सुनिए, हम गवर्नमेंट है। हालेलुया। बोलिए, मैं प्रभु की सरकार हूं। मैं प्रभु की सरकार हूं। आप हर एक जन एक गवर्नमेंट की तरह है। किसकी तरह? क्या होता है गवर्नमेंट का मतलब? सरकार। हम हर एक के पास एक अथॉरिटी, क्या गवर्न करने के लिए, अधिकार करने के लिए। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए अपने स्वरूप, अपनी समानता में हमें बनाया है ताकि हम क्या करें? अधिकार करें। क्या करें? अधिकार करें। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ, सबका प्रभु नहीं है, वो सबका प्रभु नहीं है, तो किसका प्रभु है? बाइबल कहता है प्रभुओं का राजाओं का राजा। हमें प्रभु ने कहा कि तुम ईश्वर हो। क्या हो? तुम ईश्वर हो। ईश्वरों को ईश्वर, परमेश्वर। हालेलुया। आप समझ रहे हैं आप कहां पर हो, किस पोजीशन में हो? आपको पता है आपके एक धमकी से क्या हो सकता है? आपको पता है एक धमकी से क्या हो सकता है? प्रभु कहता है मैं एक धमकी से समुद्र को, ओ समुद्र को, क्या कोई समुद्र को सूखा पाया? ए, पहचान लो अपने परमेश्वर। तो ये कहता है कि मैं एक धमकी से समुद्र को सूखा देता और पहाड़ को मैदान बना देता हूं, वो हमारा प्रभु। तो सोचो, हमारा बाप भी ऐसा कर सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसलिए प्रभु ने हमारे कैपेसिटी को, क्षमता को दिखा दिया। क्या दिखाया पता? और यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, तो ये तेरे लिए संभव। आमेन। ओ प्रभु, 33.5 साल तक क्या, 3.5 साल तक क्या दिखा कर गया? 3.5 साल की सेवकाई, पता क्या दिखा दे गया? एक ब्लूप्रिंट कि मेरे बच्चे भी ऐसा ही करें। वो किसने किया? ताकि हम करें। वो क्यों चला? ताकि हम चले। वो मुर्दों को जिंदा किया ताकि हम करें। उसने घोड़े को शुद्ध किया ताकि हम करें। वो करके गया ताकि हम करें। हालेलुया। ऐसा लिखा है कि हम किसके समान बने? हमारे स्वामी हमारे बुलाने वाले की तरह। ये समय नहीं शैतान का कि वो आपके पीछे पीछे दौड़े। ये समय आपका है कि आप उसके पीछे, कि वो आपके पीछे दौड़े। हालेलुया। अपने अधिकार को पहचाने। प्रभु एक शेर के समान, एक राजा के समान आपको अभिषेक दिया है। मैं नहीं कह रहा कि नहीं किया, दिया। क्या किया है? दिया है।
दे दिया, लेकिन बेचा किसने? अभिषेक कैसा है पता है? ध्यान से सुनिए, अभिषेक कैसा है पता है? एक साहब ने अपना पहले उठा पद बेच दिया ना, कैसे बेचा? एक कटोरी दाल के लिए, सुना, एक कटोरी दाल के लिए एक साहब ने अपना प्रथम बेटा त्रैलोक्य का अधिकार बेच दिया। आज विश्वासी क्या कर रहे हैं, प्रभु के लोग क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा मनोरंजन के लिए अपना अभिषेक बेच दे रहे हैं। अश्लीलता के कारण, गंदी बातों को देखने के कारण, लालच के कारण, झूठ के कारण, विरोध और निंदा के कारण क्या कर रहे हैं? वो अभिषेक को खाली कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अभिषेक जाने का रास्ता आपका मुंह में बंद, और आपके होठ, आपके होठों के कारण आपका अभिषेक आपके जीवन से जा सकता है। समझ रहे हैं? आप अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बहुत भारी कीमत चुका रहे हैं, वो है अभिषेक, वो है पवित्र आत्मा की आग, वो लॉस्ट हो रहा, वो पूछ रहा, कौन बुझा रहा? आपकी इच्छा पूरी करने के कारण। और इसका फायदा कौन उठा रहा है? हमारा विरोधी शैतान, वो फायदा उठा रहा है। हम तो मनोरंजन कर रहे हैं रिमोट लेकर, मोबाइल लेकर, लेकिन फायदा किसको हो रहा है? हाँ, फायदा किसको हो रहा है? अगर आप 30 मिनट एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, 30 मिनट्स, आप 30 मिनट तक क्या कर रहे हैं बताएं? अपने आप को, अपने सामर्थ्य को आप खो रहे हैं। जो भी आप लेकर जाओगे, जो भी आप लेकर जाओगे, घर जाकर टीवी खोलकर बैठो, फालतू चीजें देखने लगे, पॉल्यूट कर रहे हैं आप अपने, प्रदूषण, अपने मन को क्या कर रहे हैं आप? प्रदूषित, पॉल्यूट कर रहे हैं आप। इससे नुकसान आपका होगा, फायदा किसको होगा? आप समझे? ये सरकारी जिंदगी नहीं, क्या जिंदगी नहीं? सरकारी का जिंदगी का टाइम टेबल है क्या? वो जिंदगी नहीं है। ये जिंदगी करो या मरो का, समझे आप? क्या जिंदगी है ये? अगर आप नहीं चले तो कोई और आपको आके पीछे से घात करके चला जाएगा। इसलिए शैतान को ऐसे ही चोर नहीं बोला गया है, वो आपके अभिषेक को चोरी कर सकता है। वचन जो आप सुनते हैं उसे भी चोरी कर सकता है। कहां लिखा है? मत्ती 13 अध्याय में। जो उद्धार आपको मिला है उस उद्धार से आपको वंचित कर सकता है। आप समझ रहे हैं? यदि आप अपने आप को नहीं पहचानते हैं कि आप कौन हैं, तो भारी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। और ऐसा मन फिराने के बाद भी वो पहले उठा का पद पाया, वापस पाया नहीं। ठीक अंत के दिनों में भी ऐसा ही होगा। जो लोग अपने अभिषेक को लॉस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, सुनना सुनना, जो अपने समय को नष्ट करता है वो अपने अभिषेक को नष्ट करता है। जो अपने समय को नष्ट करता है वो अपने अभिषेक को नष्ट करता है।
इसकी कीमत आपको चुकाने। दोबारा एसाव की तरह मन फिराने पर भी वह अभिषेक आपको वापस नहीं मिलेगा। याद रखना, मैं नहीं कह रहा, इब्रानी 5:6 में लिखा है कि जो लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें नया बनाना और होना है इम्पॉसिबल। इसलिए जो आग आपके अंदर डाला गया है, समझौता ना करें, इधर उधर देखने का समय नहीं। एक क्षण भर में कुछ भी हो सकता है, एक क्षण में कुछ भी हो सकता है। सारे अंत के दिनों में जो चिन्ह होगा, प्रभु ने एक ही बात बार बार बोला, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। अर्थ क्या है? उपवास में जागते रहो, उपवास के साथ जागते रहो और प्रार्थना करो। इसका मतलब ये, क्यों? तीन बातें कभी भी हो सकती है। पहला युद्ध, दूसरा अकाल, तीसरा महामारी। और वे ही लोग बचेंगे इन तीनों विपत्तियों से जो आत्मा में जागते हैं। सब नहीं बचेंगे। कल दिन में ही इज़राइल पर हमला हो गया, युद्ध शुरू हो गया, सड़कों में मिसाइल्स गिर रहे हैं। इसको पता, विपत्ति के बाद प्रार्थना करके फायदा नहीं है, विपत्ति से पहले प्रार्थना करें, बाद में रोककर फायदा नहीं है। उपवास और प्रार्थना अंत के दिनों में बहुत वाइटल है, जरूरी है। उसके बिना कोई भी उस अंत के महामारी से नहीं बचेगा। अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए समय बर्बाद मत करो। प्रभु से पूछो, प्रभु तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है। कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है, कभी भी अकाल आ सकता है, कभी भी महामारी आ सकती है। अभी भी WHO कह रहा है कि जो महामारी आई है उससे भी ज्यादा बड़ी महामारी आएगी। जब मनुष्य ऐसा हिसाब लगा सकते हैं तो हम तो सो रहे हैं। आत्मा में जागने का समय। शत्रु दिन और रात हमला कर रहा है, पता है क्यों? रेवलेशन में लिखा है शैतान जानता है समय कम है। क्या है? लेकिन प्रभु के लोग मजे से नू के दिनों के समय चिकन मटन बस नू के दिनों के समय। हवा आ रही है, बारिश आ रही है, बहुत गर्मी है ना, आंसू गर्मी है, बहुत गर्मी है, आसवा डिजास्टर हो रहा है, वहां तो भूकंप आ गया, वहां तो पानी आ गया है, एकदम आराम। किसने एक बार उदाहरण दिया, कसाई के दुकान में गए हो कभी आप? कसाई के दुकान में, मुर्गी वाला कसाई के दुकान में, जब एक मुर्गी को निकालते काटने के लिए, चिल्लाता कौन है, वो मुर्गी या बाकी सब है? कैसा दुकान नहीं कर दी, चिल्लाता कौन है, कौन सा मुर्गी चिल्लाता है, जो कटने पर है, बाकी सब क्या करते रहते, अपना दाना चुगते रहते भाई। वैसा विश्वासी का हालत हो गया है, वैसा जो मर रहा है मर, अपना तो काम चल रहा है ना, बैंक बैलेंस, पैसा 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 पैसा,
सारा दिन पैसा खाना पैसा खाना पैसा खाना पैसा, वो मुर्गी की तरह चुपते रहो चुगो पानी पियो चाहे चुगो पानी पियो। ये विश्वास ही क्या हालत है यार, इस लेवल में कौन लेकर आया? शैतान। अंत के दिनों में क्या बोला गया है? तुम्हारा मन सुस्त ना हो जाए। क्या ना हो जाए? इस संसार की अभिलाषाओं के कारण सुस्त ना हो जाए। ऐसा ना हो कि वो दिन फंदे के समान, किसके समान? तुम्हारे तुम्हारे जीवन में आ पड़े। भागने का रास्ता नहीं है, इसलिए जागो। सप्ताह में दो दिन उपवास करो, प्रार्थना करो, छोड़ दो यश और आराम की जिंदगी। जागो आज आत्मा में, नहीं तो मरोगे। उन्नति वाला भविष्यवाणी करो तो रिसीव रिसीव, मैं आपको कह रहा हूं, उपवास नहीं करोगे तो मरोगे। अब कोई नहीं कहेगा आमीन आई रिसीव। क्यों आ ये बोलो गया, ये चेतावनी नहीं है, ये रियलिटी जो होने वाला है। अंत के दिनों में वे विश्वासी वे सेवक टिकेंगे जो उपवास और प्रार्थना में जागते रहेंगे। किसके समान? हन्ना के समान। कौन सा हन्ना? नया नियम का हन्ना, हन्ना है शायद, लेकिन हिंदी में हन्ना है, जो 84 वर्ष से विधवा थी। लूका 2 या 1 अध्याय में लिखा है। प्रभु सुनो सुनो, वो विधवा स्त्री क्या कर रही थी? जब तक प्रभु पैदा नहीं हुआ, जब तक प्रभु नहीं आया, वो उपवास और प्रार्थना में लगी थी 84 वर्ष। भाई 84 में कोई उपवास करता है क्या? लेकिन वो स्त्री 84 में उपवास कर रही थी और प्रभु का इंतजार कर रही थी। और बाइबल कहता है कि वो मंदिर में उपवास किया करते थे। मरियम गोद में लेकर यीशु को आई और हन्ना ने उसको क्या किया? उसको देखा। सुनो, ऐसा ही अंत के दिनों में होगा। वे जो प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं उपवास के साथ, उपासना के साथ, प्रार्थना के साथ, वे ही प्रभु को देखेंगे। सब नहीं ऐसा मैं बोलने से तैयार हुआ, समझे आप? और अंत के दिनों में मेरे से भी खतरनाक प्रचारक खड़े होंगे जिनके प्रचार को लोग नहीं सुन सकेंगे। तिमोथेस कहता है कानों में खुजली आ जाएगी, प्रचार सुन के ऐसे ऐसे करेंगे, मरेंगे वे। क्यों? सुनो, अंत के दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के आत्मा में सेवक खड़े होंगे जो लोगों को डायरेक्टली बताएंगे अपने पापों से पश्चाताप करो, नहीं तो तुम अपने पापों में मरो। वो समय आ रहा है। हालेलुया। तो ये समय आपका है यार, या तो शेर के समान बनो नहीं तो शैतान तुम्हें फाड़ के खा जाएगा। हालेलुया। जो जीवन जी रहो हो नहीं बदलते हो तो मरो। तुम्हारा सांसारिकता, तुम्हारा चिंता तुम्हें लेकर कहां डूब जाएगा? कहां डूब जाएगा? समुद्र में नहीं, हमारे लिए दूसरा स्पेशल समुद्र है, नर्क की आग जो गंधक और कीड़े से भरी हुई है, वो आग में डाल दिया जाए। और लेके कौन जाएगा? आपका पैसा, आपका चिंता, कहां लेकर जाएगा? ये मानो कोई मछली पकड़ने वाले चारे के समान, जब आपको फंसाया और कहां डाला? फंसाया नरक में, फंसाया। अरे बात समझ रहे हैं? प्रभु की ओर देखो, वाक को सिद्ध बनाने वाला है, वाक को सिद्ध बनाएगा। मत देखो अपने परेशानी को, प्रभु की ओर देखो, सारा परेशानी खत्म, सारे चिंता खत्म। बाइबल कहता पौलुस, ये कहता बाइबल में कि मेरे लिए जीना क्या है? मसीह। और मर जाना क्या है? चाहे कुछ भी हो, मैं कहां जाऊंगा मरने के बाद? उत्तम पुनरुत्थान का भागी होऊंगा। बस चाहे कुछ भी हो, कोई भी परिस्थिति का सामना करना पड़े, मैं कहां जाऊंगा? प्रभु के साथ उस उत्तम पुनरुत्थान में मैं सहभागी होऊंगा। बस यही आनंद हमारे जीवन में रहना चाहिए।
हालेलुया, कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूं, प्रभु मैं आ रहा हूं। हालेलुया, ऐसा तैयार रहना हर दिन। दादा नहीं, मेरा बच्चा, मेरा पत्नी, क्या होगा? हे, कमो ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तो ये प्रतिज्ञा तुम्हारे लिए, अकेले के लिए, क्या तुम्हारे बच्चों के लिए नहीं है, तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है, तुम्हारे संदर्भ ज्यादा उसको नहीं है, प्रभु को पता है। इसलिए तुम परमेश्वर की खोज में रहो, अपना चिंता प्रभु को दे, प्रभु काफी है तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे परिवार के लिए। लेकिन समझौता नहीं करना उस उत्तम पुनरुत्थान में जाने के लिए। हालेलुया, डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो, प्रभु आपको नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, मतलब कहा क्या कहा, जगत के अंत तक मैं तुझे। हालेलुया, वादा करने वाला, वादा निभाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। मूसा को पानी में बहा दिया, किसने संभाला मूसा को? उसके माँ बाप ये सोचकर, ये घर में रखूंगा तो तलवार से फिरौन के सेना मार दी, उन्होंने इसको पानी में बहा दिया। पानी में बहा देने का अर्थात परमेश्वर को सौंप दिया कि परमेश्वर ये जो तू चाहे तू कर। प्लानिंग के साथ थोड़ी किया था कि डाल देगा बहा के फिरौन के महल पे जाएगा, बहुत मौत थी जहां जा रहा था पानी का बहाव, वो तो मौत की तरफ गुजर रही। लेकिन परमेश्वर ने उस अनाथ मूसा को पकड़ लिया। उसका नाम का मतलब भी है पानी से निकाला हुआ। तो आप सोचो परमेश्वर आपको छोड़ देगा? आज ही मैं भी आपके लिए रास्ता निकालेगा, जंगल में भी आपके लिए रास्ता निकालेगा। वो परमेश्वर आपके लिए कहीं से भी मार्ग तैयार कर सकता, बस उसका एक ही कहना है, तेरा भरोसा मुझ पर, अपने आप को मुझ पर सौंप दे, देख मैं तेरे लिए क्या करता हूं, अपना भविष्य मुझे दे दे। ओ हाँ, अपना भविष्य मुझे दे, मैं बिल्ड करूंगा तेरे भविष्य को, अपने आप को मुझे सौंप दे, देख मैं क्या करता हूं। हालेलुया, वो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, कितना आनंद का विषय है। इसलिए अपने सांसारिक चिंता, परिवार की चिंता, पैसों की चिंता, घर की चिंता को छोड़कर, सुनो फिर से एक और बार, अपने आप को समर्पण कर, प्रभु मैं तेरा हूं, प्रभु मैं तेरा हूं, मेरे बच्चे तेरे, मेरे पत्नी, मेरे बच्चे सब तेरे, मेरा पति प्रभु तेरा, परंतु प्रभु मैं तेरा हूं प्रभु, मैं किसी और का नहीं परंतु प्रभु मैं तेरा। हालेलुया, जो आप नहीं कर सकते, आपके प्रार्थना आपके परिवार को बदल सकती है। हालेलुया, आपके दौड़ने से नहीं, आपके डिवोशन से, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु आपसे प्रेम करता है, अपने आप को समर्पण कर दो, लेकिन पाप के साथ नहीं, विरोध के साथ नहीं, चिंता के साथ नहीं, किसी के निंदा करने के साथ नहीं, खाली कर दो अपने आप को, खाली करके प्रभु के हाथ में सौंप। अभिषेक आपका है, छुटकारा आपका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या खुश है? नहीं लग रहा? हालेलुया, 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 प्रार्थना करो।